हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल पे आप सभी को का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद सुशील कुमार। डालिया फ्लावर के सूख जाने के बाद इसके बल्ब को किस तरह से निकाल के रखें आप, आज मैं उस पर आपको बताऊंगा। इसका बल्ब जो है इस जगह पे नीचे हो जाता है, मैं इसे निकाल रहा हूँ, निकाल के आपको इसे दिखाऊंगा और किस तरह से रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इस तरह से इसके बल्ब हो जाते हैं। यहाँ से इस तरह से इसे बढ़िया से इसे कोड़ाई कर लें आराम से, आपका बल्ब खराब ना हो। इस तरह से निकाल लें, निकालने के बाद बिल्कुल इसको इस तरह से ऐसे उठाएं। ये देखिए, बिल्कुल आपके ऐसे बल्ब तैयार हो गए हैं। अब इसे निकाल के अच्छी तरीका से आपको इसमें रखना पड़ेगा। चलिए बताते हैं आप कैसे आपको रखना है इसे। इस तरह पेपर ले लें, इसे रखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे 3-4 महीना रख सकते हैं। पेपर ले लें, पेपर में ऑर्गेनिक खाद इसमें मिला दें, इस तरह से थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाद मिला के इसमें थोड़ा सा थाइमेट भी देते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें चूटी नहीं रहेगा, और चूटी नहीं रहेगा तो ये आपके बॉल जो हैं बिल्कुल बचे रहेंगे और अच्छे रहेंगे। इस तरह से इसमें मिला दें और ऐसे रख के फिर आप इसमें इस तरह से ऑर्गेनिक खाद को मिला दें, मिला के थोड़ा इसमें थाइमेट डाल दें। अब इसे रखे कैसे, इसे इस तरह से मोड़े, इस तरह से मोड़े, फिर इस तरह से मोड़ दें, ऐसे मोड़ के और इसे बिल्कुल यहाँ पहले से मैं रखा हूँ इधर देखिए, और इसे इस तरह से सरिया के रख देना है। और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ जो छोटा वाला है उसे कैसे आप रखें। ये छोटा वाला को हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम एक साथ सभी को रख रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, छोटा छोटा जितने हैं ये सारे लग जाएंगे। ये थाइमेट जोर डाल देंगे, थाइमेट नहीं डालेंगे तो इसमें चूटी लग जाएंगे और चूटी से आपके पूरे बॉल खराब हो जाएंगे, पूरे बल्ब आपके खराब हो जाएंगे। थाइमेट इसमें जोर डालें इस तरह से, फिर इसे आप बैंड कर दें, इसे इस तरह से मोड़ दें हवा ना लगे, और मोड़ के फिर आपको जब छोटा छोटा ढेर सा है तब ऐसे रखें। इस तरह से आप कार्टून में बिल्कुल रख दें। इस तरह से इसे सिंगल भी रख सकते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा बल्ब है तो इस तरह से बिल्कुल रखें, इस तरह से डाल के एक एक। इस तरह से भी आप सिंगल सिंगल बिल्कुल रख सकते हैं।
इस तरह से बड़ा वाला भी आप एक साथ भी रख सकते हैं। आप जब भी इसे लगाना हो एक बार निकाल के गड्ढे करके गड्ढे में पूरा ऐसे लगा देंगे, पूरा बढ़िया से ये पकड़ लेंगे। लेकिन जितने भी बॉल रखेंगे बिल्कुल इसी तरह से पेपर में करके ही रखेंगे, पेपर में करके और कार्टून के डब्बा में डालेंगे और किसी भी चीज़ में नहीं रखेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें जितना भी नमी है वो नमी पेपर में सोख लेगा। बस इस प्रकार इसे रख देंगे और जितने भी सब हैं ये डाल दें, इसे भी बच्चे को डाल दें। इस तरह से इसमें रख कर बिल्कुल पेपर से हवा ना लगे, इसमें हवा नहीं जाए, इस तरह से रख दें। इस तरह से करके इसे बांध कर बस रख देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल घंटी जरूर बजाएं। नमस्कार दोस्तों।